एंड लाइट ऑफ करने के बाद तो दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज संडे को मैं एक अलग वीडियो डालने वाला था बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस। तो वो वेडनेसडे तक आ जाएगी, तो सोचा कि आज कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा। मैं हर संडे एक वीडियो डालता हूँ, सॉरी फॉर द नॉइस। आज कुछ प्रॉपर सेटअप नहीं है क्योंकि नीचे थोड़ा बिजी चल रहा है। तो सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए मैंने पहले तो पिंटरेस्ट में कुछ आइडियाज़ वगैरह देखे, लाइक मुझे थोड़ा सा रिट्रो स्टाइल में फ़ोटोज़ खिंचवानी अपनी। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए मैं ये वाली वॉल यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं एक चादर लगाऊंगा एंड यहाँ पर चेयर आएगी। एंड सबसे पहले तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला चादर वॉल के लिए, जो कि आप अभी देखेंगे, और ये वाला मैं फ्लोर के लिए यूज़ करूँगा। देर इज एन इशू, ये ऐसा तो हैंग होगा नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए होगा जो इसको वॉल पे लगा सकूँ मैं, जिससे मैं ये वॉल पे अटैच कर सकूँ। मुझे आइडिया है कि ऊपर कपड़े भी तो सूख ही रहे हैं, तो क्यों ना वो चिमटे यूज़ कर लिया जाए। अगर मम्मी को पता चलेगा बहुत मारेंगे। अनदर वन, लेट्स फास्ट बॉय। वॉल पे लगा दिया है, अब बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। कमेंट में लग रहा हूँ नहीं, कैमरे को थोड़ा सा सेंटर में करना पड़ेगा। एंड इसको लगाने के बाद ऐसा लुक आ रहा है। और हमें चाहिए कुछ लाइट्स, एक तो लाइट चाहिए येलो या वार्म लाइट, और एक बैक लाइट के लिए हमें रिट्रो लुक देना, तो लाइक थोड़े विंटेज कलर हम यूज़ करेंगे। उप्स, ये लाइट हम यूज़ करेंगे बैक के लिए, और ये लाइट हम यूज़ करेंगे वार्म लुक के लिए। तो जल्दी से इनको लेके चलते हैं, अभी इनको रख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं ये लाइट को सेटअप कर लेता हूँ। A few moments later. इस लाइट को हम इधर प्लेस करेंगे। एक्चुअली मैं इसका रिमोट भूल गया था, तो अब इसका कलर चेंज करते हैं। यूज करेंगे रेड, रेड हो जा। Struggle is real. ये लाइट मैं खुद के फेस को वार्म लुक देने के लिए यूज कर रहा हूँ। आई थिंक थोड़ा ब्राइट और थोड़ा वार्म लुक के लिए। इससे मेरे फेस में एक येलो येलो सा लुक आ रहा है, एंड वो येलो एंड वो रेड लाइट। हम इसका कुछ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे रेट्रो लुक आएगा, और थोड़ा सा हमें लाइट रूम में कलर ग्रेड भी करना पड़ेगा। तो मुझे बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए ये कलर ठीक नहीं रहेगा, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। ये ठीक है, हाँ। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक वीडियो एक एक्सपेरिमेंट था, तो आप कमेंट में बताना कि ये एक्सपेरिमेंट मेरा ठीक है कि नहीं। प्लीज बने रहिए इसी तरह, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्यूक साइनिंग आउट।